ये मट्टी में गिर के ज़ाया हो गया। अब हमें इसको धोने के लिए पानी नहीं, मगर अल्लाह सबसे गुजारिश है कि हमारे बच्चे की मछली धोने के लिए पानी दे दो। मछली का इंतज़ाम वो भी रात के अंधेरे में। ये हमने फ्राई करने के लिए तैयार किया है, सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें मौका नहीं मिला था कल हमें मौका नहीं मिला था कि हम मछली को फ्राई करके खा लेते। आज हमने उसी मछली को इधर फ्राई करने के लिए सिस्टम अरेंज किया है छोटी सी जगह के ऊपर, तो लिहाजा आप लोग देखते जाएं। अभी हम उसका फुल सिस्टम आपको दिखाते हैं, मछेरा और साथ में उसका सपेरा। रात के अंधेरे में इधर मछली पकाने में मसरूफ़ अमल है। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो अगर मछली खाना है तो, ठीक है ना भाइयों? टेक केयर। थोड़ी देर तक आग लगाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियाँ जमा कर रहे हैं। देखते जाएं, इंजॉय करते जाएं कि अगर आप भी कभी भी इसी तरह आपके साथ ऐसा होता है तो कैसे मछली फ्राई करके खाया जाता है। इसका शॉट आपको एक छोटी सी क्लिप में सारा कुछ दिखाएंगे अभी, और फिर आप देखोगे कितनी लजीज मछली भी बनने वाली है। तो साथ रहें, पूरा वीडियो देखना है। ये है सपेरा। रात के अंधेरे में इनको देख के मुझे बड़ा डर लगा। ये लस्सी, गाँव के अंदर जब लस्सी बनाते हैं तो इसको इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये बकरी की खाल से बनाया जाता है। ट्रोट फिश जो अभी हमारे पेट के अंदर जाने वाली है कुछ ही देर में, आप देखें हम इस ट्रोट फिश को कैसे अपने पेट के अंदर डालते हैं। हम रेडी है, माचिस भूल गए थे माचिस लाने के लिए। सपेरे को हमने भेज दिया, अब वो चंद सेकंड्स में माचिस लेके आएगा तो यहाँ आग जलेगी। दोनों लगे हुए हैं, ये सपेरा और मछेरा, इनसे आग नहीं लग रही। और फाइनली एट द एंड बहुत कोशिशों के बाद आग लगना स्टार्ट हो गई है। अब कुछ ही देर में ये चोले भड़केंगे और भड़क के मछली को तड़पाएंगे, और वो मछली को तड़पाएंगे हम आप लोग को खा के तड़पाएंगे। और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अभी रात के कोई 2:30 बज गए हैं, हम ये काम कर रहे हैं। बाहर ख़तरनाक किस्म की तूफ़ानी बारिश हो रही है, और हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बड़ा अंधेरा अंधेरा खौफ रास का एक सिस्टम है। पुराना सा मकान है, आप देख सकते हैं। इधर बैठ के हम ये मछली खा रहे हैं, हम इसके ऊपर तेल डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से ये तेल को हम निकाल के इसके अंदर डाल दें ताकि ये तेल जो है वो गर्म हो जाए। तेल जब गर्म होगा तभी मछली इसके ऊपर तैयार होगी। हमारे पास चम्मच तक नहीं थी, हम लकड़ी से ये तेल निकाल के इधर ऊपर डाल रहे हैं। तो अभी थोड़ा कर ये भाई हमें दिखाएंगे, तो हाँ ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हम घी जो है वो उसको फ्राई पैन के ऊपर डाल रहे हैं। अब कुछ ही देर में ये गर्म हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप तेल की आवाज़ें सुन सकते हैं, तेल गरम हो रहा है। अब मछली जो है वो तेल के अंदर, अब देख सकते हैं किस तरीके से ये मछली बताइए, आप कर सकते हैं बड़ा। हमने अभी ऊपर फ्राई करने के लिए मछली जो है वो फ्राई पैन के ऊपर डली गई है। अब कुछ ही देर में ये जब फ्राई हो जाएगी तो हम मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, तब तक आपने कहीं नहीं जाना, साथ ही रहना है। देख सकते हैं रात का इस ये टाइम है, आंखों में सारा का सारा ना वो धुआं चला गया और आंसू आ गए सारे। देखते रहो बनाते हुए। हमारा कुक जो है वो इम्पोर्टेड कुक है, चाइना से हमने इसको स्पेशली इस काम के लिए बुलाया है यहाँ पे। मछली रखने के लिए जगह हमारे पास नहीं थी, तो लिहाजा हम इस स्पेस के ऊपर हम अब मछली को रखने वाले हैं। तो आप देखें और इन्जॉय करें इसको किस तरीके से। ये देखें अभी इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, और निकालो निकालो निकालो, ओए होए होए, ये एक एक मछली का पीस, ये दूसरा भी हमारे पास अभी पहुँच चुका है। ये तीसरा जो है वो अभी हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। थर्ड पीस हमारे पास रेडी, ताज़ा ताज़ा फ्रेश ट्रोट फिश है, ये जहन मेरा ये ट्रोट फिश है। पांचवा भी सेम ही कुछ इस तरह है, पूरी जो फिश है वो रेडी हो गई है भाई। आखिरी पीस रह गया था, अब हमारी फिश रेडी है। अब देख सकते हैं, ज़रा लुक चेक करें इसका, क्या लजीज फिश। अब इसको हम जब खाएंगे मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ। गरीब पीस जो था ये मट्टी में गिर के ज़ाया हो गया, अब हमें इसको धोने के लिए पानी नहीं, मगर अल्लाह सबसे गुजारिश है कि हमारे बच्चे की मछली धोने के लिए पानी दे दो। चलो ये जी रेडी हो गया शोरबा तेल का, बस स्टार्ट। ये अभी फिश अभी रेडी करके मैं आपके सामने लाया हूँ,
अभी इसको खा के चेक करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ट्रॉट फिश है, ये गिलगित बल्तिस्तान में मिलती है सिर्फ, बहुत लेवल की ये बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रब का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये नेमत से हमें नवाजा है। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो काइंडली आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने रात के 2:30 बजे आप लोगों को मछली का पूरा प्रोसेस दिखाया है, किस तरह फ्राई करते हैं और किस तरह खाते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले दिन किसी और ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।